हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द एजुकेशन फैकल्टी। आज हम लोग बात करेंगे भूगोल के एक महत्वपूर्ण टॉपिक भूकंप पर। तो टॉपिक शुरू करने से पहले मैं धन्यवाद करती हूँ लोगों का जो चैनल से जुड़ गए हैं, और जो लोग नहीं जुड़े हैं वो जल्द से जल्द जुड़ जाएं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं भूकंप। भूकंप का अर्थ होता है पृथ्वी का कांपना। पृथ्वी के अंतर्जात और बहिर्जात बलों के कारण ऊर्जा निकलती है, जिससे तरंग पैदा होती है जो हर दिशा में फैलकर कंपन पैदा करती है, और यही कंपन क्या कहलाता है? भूकंप कहलाता है। अब हम देख लेते हैं अंतर्जात बल और बहिर्जात बल। अंतर्जात बल क्या है? पृथ्वी के आंतरिक परतों में ही उत्पन्न होता है। इसका कारण पृथ्वी के आंतरिक परतों में ताप, दाब, घनत्व में परिवर्तन, रेडियो धर्मी तत्वों का विघटन, मैग्मा के संचलन के कारण उत्पन्न संवहन तरंग और भी कई चीजें हो सकती हैं। और बहिर्जात बल पृथ्वी की सतह पर बाह्य कारणों के प्रभाव से उत्पन्न होता है। ठीक है, विज्ञान की जिस शाखा में हम भूकंप का अध्ययन करते हैं उसे हम सिस्मोलॉजी कहते हैं, और जिस मशीन से अध्ययन करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? सिस्मोग्राफ। ठीक है, भूकंप की तीव्रता के मापन के लिए प्रयोग किया गया पैमाना भूकंपीय पैमाना कहलाता है। सर्वप्रथम फेरल पैमाने का हम लोगों ने प्रयोग किया था, उसके बाद 1902 में मर्करी पैमाना आया, फिर उसके बाद 1935 में रेक्टर पैमाना है। अब हम देखते हैं कि अधिकांशतः देश क्या रेक्टर पैमाने का ही प्रयोग करते हैं। मर्करी पैमाना क्या था कि वो गुणात्मक पैमाना था, लेकिन ये रेक्टर पैमाना क्या था? ये परिणात्मक था। ये मतलब पैमाना क्या था कि भूकंप की तीव्रता के साथ साथ भूकंप के परिमाण मैग्नीट्यूड यानी भूकंप के समय उत्पन्न हुई ऊर्जा का भी क्या मापन करता था। अब हम लोग देख लेते हैं भूकंपीय तरंगे। भूकंप के दौरान भूकंपीय तरंगें उत्पन्न होती हैं जो केंद्र से सभी दिशाओं में बाहर की ओर क्या प्रसारित होती हैं। वही क्या है? भूकंपीय तरंगें हैं, और ये तीन प्रकार की होती हैं। पी तरंगे यानी हम जिसे प्राथमिक तरंग भी कहते हैं, एस तरंगे जो द्वितीयक तरंग होती है, और एल तरंग जो सतही तरंग होती है। हम देखते हैं पी तरंग को पहले, यानी प्राथमिक तरंग। पी तरंग क्या है? ये इसका मतलब तरंग दैर्ध्य लघु होता है, ये उच्चावृत्ति वाली अनदैर्ध्य तरंग होती है। ये ध्वनि तरंग की भांति होती है, इसलिए इसे हम उच्च तरंग कहते हैं। इसकी गति जो है ठोस, द्रव, गैस तीनों में हो सकती है, लेकिन इसकी गति ठोस में सर्वाधिक होती है। अगर हम द्वितीयक तरंग यानी एस तरंग को देखें तो लघु तरंग दैर्ध्य उच्च आवृत्ति वाली अनुप्रस्थ तरंग है। ये केवल ठोस माध्यम में ही गति करती है, और द्रव में क्या अवशोषित कर ली जाती है या परावर्तित कर ली जाती है। और ये प्रकाश तरंग की बात होती है, इसे हम विध्वंस लहर भी कहते हैं। अगर एल तरंग की बात करें तो इसकी खोज एच डी लव नामक वैज्ञानिक ने की थी, इसलिए इसे हम लव तरंग भी कहते हैं। ये दीर्घ तरंग दैर्ध्य निम्न आवृत्ति वाली यांत्रिक तरंग है जो अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य दोनों हो सकती है। सतह पर भूकंप के समय विनाश के लिए यही तरंग क्या है? सबसे ज्यादा उत्तरदायी होती है, इसलिए इसे विनाशकारी तरंग भी कहते हैं। पृथ्वी के आंतरिक भागों में जिस स्थान से भूकंपीय तरंगें उत्पन्न होती हैं उसे हम भूकंप का केंद्र मूल या फोकस कहते हैं। ठीक है, फोकस के लंबवत सतह पर स्थित स्थान जहां सर्वप्रथम और सर्वाधिक तीव्रता वाला भूकंप आता है उसे हम भूकंप का अधिकेंद्र कहते हैं। अधिकेंद्र यानी एपिसेंटर से दूर जाने पर भूकंप की तीव्रता क्या है? कम होती जाती है। समान भूकंपीय तीव्रता वाले स्थानों को मिलाने वाली जो काल्पनिक रेखा उसे हम समभूकंपीय रेखा कहते हैं। ऐसा केंद्र वृत्तों के रूप में निर्मित होती है। अब हम लोग देखेंगे कि भूकंप के क्या क्या कारण हो सकते हैं, जैसे ज्वालामुखी, पृथ्वी का सिकुड़ना, बलन तथा ब्रंशन, भू संतुलन, प्रत्यक्षेप सिद्धांत, प्लेट विवर्तनिकी, जलीय भार, कृत्रिम भूकंप और अन्य कारक भी हो सकते हैं इसके। आइए एक बार इन्हें हम लोग समझ लेते हैं। जैसे ज्वालामुखी विस्फोट, जब ज्वालामुखी विस्फोट होता है तो उनके निकटवर्ती जो क्षेत्र होते हैं आसपास के, वो उसमें क्या होता है? हलचल होती है, जिसे हम क्या कहते हैं? भूकंप कहते हैं। पृथ्वी का सिकुड़ना किस तरीके से मतलब भूकंप के लिए उत्तरदायी है? जब पृथ्वी अपने जन्म से क्या है अब तक क्या मतलब निरंतर क्या ठंडी हो रही है, तो कोई चीज ठंडी हो रही है तो क्या है? वो सिकुड़ रही है। पृथ्वी के सिकुड़ने से इसके जो शैल है उसमें क्या अवस्था पैदा हो जाती है, जिससे कंपन पैदा होती है और क्या है? भूकंप आ जाता है। बलन तथा भ्रंशन का संबंध किससे है? संपीड़न और तनाव से है, जिससे चट्टानों में क्या हलचल होती है और भूकंप आते हैं। भू संतुलन
विद्वानों का मानना है कि पृथ्वी का जो ऊपरी शेल है वो हल्का है और निचले वाले भारी सीमा पर क्या है वो तैर रहा है। ऊपरी हल्की चट्टानों में ऊंचा नीचा होकर वो क्या करता है संतुलन की व्यवस्था बना ली है, लेकिन कभी कभी क्या होता है अपरदन द्वारा उच्च प्रदेशों में निक्षेपित होता है तो यह संतुलन क्या होता है बिगड़ जाता है। जब चट्टाने इस संतुलन को बनाए रखने का प्रयास करती हैं तो उनमें कंपन उत्पन्न हो जाता है और भूकंप आ जाता है। प्रत्यास्थ प्रतिक्षेप सिद्धांत में क्या है कि सिद्धांत के अनुसार क्या है भूकंपों की जो यांत्रिक रचना है वो शैलों के लचीलेपन पर निर्भर करती है। भूगर्भ की शैलें रबड़ की भांति होती हैं लचीली, जिसके कारण उनमें बढ़ने और घटने का क्या होता है गुण होता है। जब किसी स्थान की शैलों पर तनाव बढ़ता है तो वे तनाव और खिंचाव के कारण मुड़ जाती हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है जब तनाव शैलों के लचीलेपन की सीमा से ज्यादा बढ़ जाता है तो शैलें मुड़ती नहीं है वो क्या होती है टूट जाती है। इससे चट्टान टूट कर दो खंड में विभाजित हो जाता है और उन खंडों के बीच एक दरार पड़ जाती है। दरार के इन दोनों ओर से चट्टान खंड विपरीत दिशा में क्या होता है खिसक जाती है। तो इस भ्रंश क्रिया से क्या चट्टान का जो तनाव है वो समाप्त हो जाता है और चट्टान के दोनों खंड अपने स्थान पर आने का प्रयास करते हैं। इस प्रकार क्या होता है तनाव द्वारा उत्पन्न दबाव भ्रंश क्रिया से समाप्त हो जाता है और दरार के सहारे संघर्षण से मिलकर क्या भूकंप उत्पन्न करता है। अब हम देखेंगे जलीय भार क्या है। जलीय भार में क्या है नदियों पर बांध बनाकर बड़े बड़े जलाशयों का निर्माण होता है। जब जलाशयों में जल की मात्रा आवश्यकता से अधिक हो जाती है तो चट्टानों पर जल का क्या दबाव बढ़ जाता है जिससे जलाशयों की तली के नीचे स्थित चट्टानों में परिवर्तन होने लगता है। जब ये परिवर्तन आकस्मिक होता है तो भूकंप आ जाता है। कृत्रिम भूकंप में क्या है कि ये बम के धमाके से रेलों के चलने से कारखानों में भारी मशीनों के चलने से पृथ्वी में क्या होता है कंपन होता है। ठीक है, और भी इसके कई कारण हो सकते हैं जैसे हिमखंडों का शिलाओं के खिसकने और गुफाओं की छतों के धस जाने या खानों की छतों के गिर जाने से भी क्या होता है भूकंप आता है। अब हम लोग देखेंगे भूकंप का पूर्वानुमान कैसे किया जा सकता है। जैसे पी और एस तरंगों की गति में क्या होता है अंतर आ जाता है, रेडॉन गैस का उत्सर्जन बढ़ जाता है। बड़े भूकंप के आने से पहले भूमि क्या है गुंबदाकार आकृति में फूल जाती है और ऊपर उठ जाती है। ठीक है, पशु पक्षियों में क्या है उनके आचरण में मतलब परिवर्तन आ जाता है। तो इन सब से क्या है कि हम पहले ही मतलब भूकंप का पूर्वानुमान लगा सकते हैं। भारत में भूकंपीय जोन देखें तो भारत में चार भूकंपीय जोन है, जैसे न्यूनतम जोखिम मंडल, न्यून जोखिम मंडल, समान क्षति जोखिम मंडल, उच्च क्षति जोखिम मंडल, उच्चतम क्षति जोखिम मंडल। अगर न्यूनतम जोखिम मंडल को हम छोड़ दें तो बाकी के जो चार हैं उन्हीं को अभी तक मान्यता दी गई है। अब हम देखते हैं भूकंप से होने वाली हानियां। इससे जनधन की बहुत हानि होती है। कई बार भूकंप से नदियों के मार्ग में रुकावट पड़ जाती है और उनका प्रवाह रुक जाता है। इस तरह क्या है नदी का जल जो है समीपस्थ भागों में बह जाता है और क्या बाढ़ आ जाती है। और देखे तो भूकंप से भूपटल पर बड़े बड़े भ्रंश पड़ जाते हैं। भूकंप से पर्वतीय प्रदेशों में भूस्खलन होता है और इससे कई बार भीषण आग लग जाती है आदि मतलब हानियां हो सकती है। और अगर लाभ देखें तो भूकंपीय तरंगों से हमें भूगर्भ का ज्ञान प्राप्त हो जाता है। भूकंप से भूस्खलन क्रिया होती है जो अपक्षय में सहायक होती है, जिससे मिट्टी के निर्माण में सहायता मिलती है और कृषि को प्रोत्साहन मिलता है। और भूकंपों से बड़े पैमाने पर भलन और भंजन पड़ जाते हैं, जिससे पर्वत पठार घाटियां आदि का मतलब नई स्थल आकृतियों का जन्म होता है। भूकंपों से धरातल पर बड़ी बड़ी दरारें पड़ जाती हैं, जिससे कई खनिज पदार्थ मतलब सुगमता से मिल जाते हैं। कई बार भूकंप के भ्रंशों से जल स्रोतों का जन्म होता है जो मनुष्य के लिए लाभदायक होता है। ये थे हमारे क्या भूकंप से होने वाले लाभ। यदि हम भूकंप से बचाव की बात करें तो हमें मतलब भूकंप वाले क्षेत्रों में तरंग रोधी भवन बनाने चाहिए और यदि मतलब अधिक से अधिक संख्या में भूकंप मापक केंद्र स्थापित किए जाने चाहिए जिससे भूकंप संबंधी सूचना प्राप्त की जा सके और भूकंप के प्रकोप से बचा जा सके। तो अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। धन्यवाद।